दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, एनएमसी ने इस बार जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनकी 50% सीटें गवर्नमेंट कोटा की करने के लिए आदेश दिए हुए हैं। इसके रिगार्डिंग उन्होंने 3 फरवरी को सभी स्टेटों में नोटिस भेजा हुआ है कि इस साल जो एडमिशन होंगे जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसमें 50% गवर्नमेंट कोटा से होंगे। तो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग किसी भी स्टेट ने कोई भी संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं दिया, ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन केरला सबसे आगे आया हुआ है। अभी केरला हाई कोर्ट ने जो ये डिसीजन था इसका खंडन करते हुए इस साल जो भी केरला में एडमिशन होंगे उनमें ये रूल्स अप्लाई नहीं होगा। केरला के जो मेडिकल कॉलेज हैं और जो कमेटी बनी हुई है उन्होंने केरला हाई कोर्ट में अपील की थी और फैसला उन्हीं के अकॉर्डिंग गया हुआ है। और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, उनको लग रहा था कि अगर ये 50% सीटें गवर्नमेंट कोटा की हो जाती हैं तो कट ऑफ में कम से कम 40 से 50 नंबर का फर्क पड़ेगा। अब आगे देखते हैं ऐसा पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अदर स्टेट इसके ऊपर क्या प्लान करते हैं, क्या अपना डिसीजन देते हैं, इसके लिए आप बने रहिएगा। थोड़ा सा समय लगेगा इस चीज में, लेकिन दोस्तों जल्दी ही इसके रिगार्डिंग सूचना बाहर आएगी। अब देखते हैं एनएमसी सुप्रीम कोर्ट जाती है, केरला हाई कोर्ट के डिसीजन को फाइनल माना जाता है या नहीं है, लेकिन अभी इस चीज में बहुत समय लगने की संभावना है। इतना आसान डिसीजन नहीं है क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की बहुत बड़ी यूनिटी होती है और ये लोग भी इतने आसानी से इस डिसीजन को अप्लाई नहीं होने देंगे। लेकिन भारत सरकार भी अपने आप में बहुत पावरफुल है, अगर उसने ठान लिया तो पॉसिबल हो भी सकता है, लेकिन देखते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला। जैसे कोई ऑथेंटिक अपडेट आएगी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।